तो अब तक हमने पढ़ा कि जब रिस्पायरेशन होता है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पाइरूविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं और इस घटना को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की घटना आपकी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। फिर हमने पढ़ा पाइरूविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा और एरोबिक रिस्पायरेशन से क्या बनेगा? एसिटाइल को ए एंजाइम बनेगा, एसिटाइल को ए बनेगा। एक पाइरूविक एसिड से एक एसिटाइल को ए, दो पाइरूविक एसिड से दो एसिटाइल को ए बनेंगे और इस घटना को लिंक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद लिंक रिएक्शन का आउटपुट क्या है? दो एसिटाइल को ए बनेंगे और ये दो एसिटाइल को ए आगे कहां चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इनमें क्या होगा? आगे जाकर क्रेब्स साइकिल चलेगी, क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएंगे। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर ये इंटर कर जाएंगे। कौन इंटर करेगा? एसिटाइल को ए की दो दो मॉलिक्यूल्स। सूत्र समझेंगे, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बना, इस घटना को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हुआ लिंक रिएक्शन जिसमें पाइरूविक एसिड से एसिटाइल को ए बना और अब ये एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। तो क्रेब्स साइकिल क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। पढ़ेंगे हम क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल पढ़ने के लिए छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? मम्मी की एक मम्मी पापा और सब लोग उसको बैठे, एक बच्चा छोटा सा बच्चा था, बच्चा को समझा रहे हैं क्या करो क्या ना करो। तो पास किया बच्चा और उसको समझा रहे हैं सब लोग, घर वाले काउंसलिंग कर रहे हैं क्या करो। उसको घर वालों ने क्या कहा? सी एच ओके। उसके घर वालों ने कहा सी एच ओके, सी ए बन जाओ, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओ, सी एच ओके। उसके घर वालों ने कहा, बच्चा रिप्लाई क्या करेगा बेचारा, छोटा सा सीधा सा बच्चा है, बोला यस यस, हाँ हाँ ठीक है बन जाते हैं, यस यस। किसको बोला उसने? अपने फादर को बोला होगा, अपनी मदर को बोला होगा या फिर अदर को बोला होगा, फादर मदर अदर। बस इतनी सी बात याद कर लो, ट्रिक याद हो गया तब तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। ट्रिक था ये सी एच ओके, यस यस फादर मदर अदर, ओके यस यस फादर मदर अदर। ये ट्रिक याद हो गया, इसको हम साइकिल के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे लिखते देखो सी एच ओ के, ओके यस यस फादर मदर अदर। देखो मैंने साइकिल के फॉर्म में लिख दिया। अब घड़ी को बना देते हैं, एरो बना देते हैं, साइक्लिक रिएक्शन पता है आपको? साइक्लिक रिएक्शन ऐसे घड़ी की दिशा में बना दो साइक्लिक रिएक्शन, ये साइक्लिक रिएक्शन बना दिए हम। अब देखते हैं हमने क्या लिखा, सी ए एच ओ के यस यस फादर मदर अदर, ये शॉर्ट फॉर्म का ट्रिक था। अगर ये ट्रिक याद हो गया है तो पहला स्टेप आपको कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप इन सबका फुल फॉर्म याद करते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको बार बार मल्टीपल टाइम बोलेंगे जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाए याद करने में, कोशिश करें मेरे साथ रिवीजन करने की। सिट्रेट, सी का फुल फॉर्म सिट्रेट। सिस एकोनाइटेड, ए का फुल फॉर्म है सिस एकोनाइटेड। आइसो सिट्रेट, सिट्रेट सिस एकोनाइटेड आइसो सिट्रेट। एक बार बोलिए सब लोग अपने मुंह से, जहां भी जो बैठे हैं कैमरा में देखकर बोलिए अपने आपको, सिट्रेट सिस एकोनाइटेड आइसो सिट्रेट, सिट्रेट सिस एकोनाइटेड आइसो सिट्रेट। ऑक्जेलो सक्सिनेट, ओ का फुल फॉर्म ऑक्जेलो सक्सिनेट। इसका फुल फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। शुरू से पढ़ते हैं, रिवीजन करिए। सिट्रेट सिस एकोनाइटेड आइसो सिट्रेट ऑक्जेलो सक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सनाइल को ए, सक्सनाइल को ए। शुरू से पढ़ते हैं, सिट्रेट सिस एकोनाइटेड आइसो सिट्रेट ऑक्जेलो सक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट
सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। रिपीट करते हैं शुरू से, सिट्रेट सिस एकोनाइटेट आइसोसिट्रेट ऑक्जेलो सक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सभी लोग ट्राई करिए, मल्टीपल टाइम ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जब तक आपको समझ में ना आए, जब तक याद ना हो जाए तो बार बार पढ़िए। फिर से देखिए, सिट्रेट सिस एकोनाइटेट आइसो सिट्रेट ऑक्जेलो सक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसको फटाफट रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और इतना सा याद कर लीजिए, बहुत दिक्कत का बात नहीं है, याद हो जाएगा आसानी से। समझाना अभी बताएंगे, पहले याद करा देते हैं फिर समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप कहा क्या कौन सी रिएक्शन हुई। फिर से एक बार याद करते हैं, सी ए एच ओ के यस यस एफ एम ओ फादर मदर अदर। ट्रिक था, इज बस साथ में रहेगा, बाकी सब सिंगल सिंगल लेटर रखना है। सी का फुल फॉर्म सिट्रेट, ए का फुल फॉर्म सिस एकोनाइटेट आइसो सिट्रेट ऑक्जेलो सक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इतना सा अगर आपको याद हो गया तो चैन का आपको बेस याद हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर याद हो गया किससे क्या बनता है, ठीक है। अगर मान लिए आपको याद हो गया, नहीं याद हुआ तो बार बार रिवीजन करिए, हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो अगला स्टेप देखते हैं। अब आपको करना क्या है, लास्ट स्टेप था आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये वाला वो था ना लास्ट, तो लास्ट था तो लास्ट से फिर एक उल्टा उठाइए, यहां से एक एरो निकालिए, निकाले यहां पर कुछ नहीं निकालना है, फिर यहां से करो निकालना है, इसको छोड़ देना है, फिर इस पे निकालना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इस पे निकालना है, मतलब ऐसा कितने बार आपको करना है, चार बार ऐसा करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है अल्टरनेट सीक्वेंस में, एक रखना एक नहीं, एक रखना एक नहीं, एक रखना एक नहीं, एक रखना, चार बार आपने ऐसा किया। ये चार जगह क्या हुआ, क्यों हमने एरो बनाए हैं, चार बार ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ इन चार जगह, याद रखिएगा क्रेब साइकिल में कितने बार ऑक्सीडेशन होता है, चार बार, कहां कहां, लास्ट, फिर लास्ट से एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, इन चार जगह पर ऑक्सीडेशन होता है। नंबरिंग देना चाहे तो नंबरिंग दे सकते हैं, यहां से नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर के। तो बताइए कौन कौन से नंबर पर ऑक्सीडेशन हुआ, 10 नंबर पर, 8 नंबर पर, 6 नंबर पर और 4 नंबर पर, 4, 6, 8, 10 कितनी जगह पे एरो बना दीजिए। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन के निकलने को भी ऑक्सीजन कहते हैं, यहां पर हाइड्रोजन निकलेगी और हाइड्रोजन के निकलने को डीहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगी तो देखते हैं, पहले में किस रूप में निकलती है, तो ये हाइड्रोजन निकलने के दो रास्ते हैं, या तो NaDH2 बनकर हाइड्रोजन निकलेगी या फिर FaDH2 बनकर निकलेगी। तो पहले वाले में हम निकालते हैं, पहले वाले में निकाल लेते हैं हम NaDH2 निकला, एक NAD घुसा और NaDH2 निकला। दूसरे वाले में कुछ नया ट्राई करते हैं, दूसरे वाले में हमने FAD डाला और FADH2 निकला, बताओ एक NADH2 यहां निकला था या एक FADH2 निकला। NADH2 का मतलब कितने ATP आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, एक NADH2 मतलब 3 ATP के बराबर होता है, एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, मतलब यहां कितना ATP मिला, 3 ATP और यहां कितना ATP मिला, एक FADH2 मात्र 2 ATP के बराबर होता है, सिर्फ 2 ATP मिला, FADH2 में मात्र 2 ATP होते हैं,
कम होता है, तो एफएडीएचटू में कम होता है सिर्फ आपके 2 एटीपी के बराबर होता है एफएडीएचटू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम एनर्जी मिली। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बाकी आप सब जगह हम क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ NADH2 निकाले एनिल डालकर। यहां भी एनिल डालेंगे, NADH2 निकलेगा। याद रखिएगा सिर्फ 2 नंबर पे एफएडीएचटू निकलेगा, बाकी 4-3 जगह पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर NAD डालेगा, NADH2 निकलेगा। अब देखो इसने जल्दीबाजी में यहां पर गलती कर दी, यहां पर FADH2 निकाल लिया, नुकसान हो गया ना। कितने का नुकसान हो गया? 8 ATP का नुकसान हो गया। अब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे NADH2 चाहिए था, वापस कर लेने देंगे इसको? नहीं करने देंगे। तो अब हम क्या कर सकते, इसको माफ करें या ना करें? चलो कर दिए, जाओ बच्चा माफ कर दिए तुमको। तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? बोला मेरा 1 ATP का नुकसान हो गया है। अब इसके 1 ATP का नुकसान कैसे भरपाई किया जाए? तो जहां पर अपने डीएचटू निकाले उसके ठीक पहले वाले स्टेप पे यहां पर 1 ATP निकाल देना है। क्या निकलेगा यहां पर? 1 ATP निकाला है, 1 ATP यहां कम निकली है, इसलिए 1 ATP उसके बगल वाले एरो पे निकाल दो। ATP डायरेक्ट ना निकाल कर आप यहां पर GTP निकाल सकते हैं, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GDP घुसेगा और GTP निकलेगा। अब देख सकते हो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का मतलब क्या होता है? एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडनोसिन बेस पर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसके भाई बंधुओं से मिल लेते हैं, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब इसके भाई बंधु हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पढ़े होंगे डीएनए में, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 तरह के बेस होते हैं और इनमें ट्राइफॉस्फेट जुड़ सकता है। सब बराबर वैल्यू के हैं, ATP और GTP लगभग बराबर होता है। ATP मतलब जितना एनर्जी होता है उतना ही एनर्जी लगभग में GTP बराबर होता है। तो GTP मतलब ATP और ATP मतलब GTP समझ सकते हो ऐसा सिंपल लैंग्वेज में। तो 1 ATP यहां कम निकला है, इसलिए इसके बगल वाले स्टेप में 1 ATP निकल आया। अब देखो समझ में आई, इतना तो बनाना आने लगा सबको, क्या क्या कर रहा था अभी हमने? CaHOKSS फादर मदर अदर, फुल फॉर्म सिट्रेट, सिसेकोनाइटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सिलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएच, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सिलोएस्टिटिसिन। फिर इसके बाद एरो लगाना शुरू किया, तो लास्ट नंबर पर एक छोड़कर फिर एक छोड़कर फिर एक छोड़कर फिर 4 बार ऐसा किया। पहले वाले में NADH2 निकाला, दूसरे वाले में FADH2 निकाला, तीसरे नंबर में NADH2, चौथे नंबर में NADH2। जहां पर FADH2 निकाला है उसके ठीक नीचे वाले एरो पर हमने 1 GTP निकाल दिया उसकी कमी को पूरा करने के लिए। अब देखो 8 नंबर एरो भरा हुआ है, 7 नंबर एरो भरा हुआ है, 6 नंबर एरो भी इंगेज है, 4 नंबर भी इंगेज है, 5 खाली खाली लग रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं, ये हम कुछ कर देते हैं। 5 नंबर में क्या कर देते हैं? 5 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देते हैं। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और 5 में निकले तो इसके बगल तक निकलती ही रहेगी, 6 नंबर में भी एक CO2 निकलेगी, 5 और 6 नंबर में एक CO2 निकल गई। अब जितना डालना निकालना था कंप्लीट हो गया, लगभग आपका लगभग 40-50% क्रेब साइकिल खत्म हो गया अभी तक। इतना बनाना आने लगा अगर तो बहुत कुछ आने लगा। शुरू से एक बार बता दें फिर से, चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के मन में। सबका साथ सबका विकास, सबको आना चाहिए। पहला चीज CAHOKSS फादर मदर अदर, एरो बना दो। सी का मतलब सिट्रेट, सिस एकोनाइटेट, आइसो सिट्रेट, ऑक्जिलो सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड और फिर सिट्रिक एसिड। एक एरो बन गया, पूरा एक साइकिल बन गया।
अब देखिए लास्ट वाला प्रोडक्ट है ऑक्सलोइक एसिड, लास्ट नंबर से हम एरो बनाना शुरू करते हैं। यहां पर एक एरो बनाएंगे, फिर ये खाली छोड़ेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, इसको खाली छोड़ेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसको खाली छोड़ेंगे और फिर इसमें बनाएंगे। ऐसे हमने चार बार बनाया एरो। समझते हो, जो चीज एरो के निशान की तरफ होता है वो निकलता है और इधर जाता है वो घुसता है। तो पहले वाले एरो में घुसेगा क्या? एन ए डी घुसेगा और निकलेगा क्या? एन ए डी एच टू निकला। दूसरे वाले में एफ ए डी घुसेगा, एफ ए डी एच टू निकलेगा। तीसरे वाले में एन ए डी घुसेगा, एन ए डी एच टू निकलेगा। चौथे वाले में एन ए डी घुसेगा, एन ए डी एच टू निकलेगा। आप देख सकते हो सभी जगह एन ए डी एच टू निकला, सिर्फ एक जगह एफ ए डी एच टू निकला। सब में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। चारों स्टेप में हाइड्रोजन निकला है। इस घटना को डीहाइड्रोजनेशन कह सकते हो या फिर ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो। ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजनेशन है ये। ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, डीहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हो। इस घटना को डीहाइड्रोजनेशन हुआ चार बार, हाइड्रोजन रिमूव हुई। अच्छा, अब देखो यहां पर तीन एटीपी मिला, एक एनएडीएच2 मतलब तीन एटीपी, तीन एटीपी, तीन एटीपी। यहां मात्र दो एटीपी मिला, एफएडीएच2 मतलब दो एटीपी। एक एटीपी कम मिला है, इसलिए इसके बगल वाले एरो पे जो खाली जगह देखकर यहां पर इसने एक जीटीपी निकाल दोगे, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीडीपी घुसेगा, जीटीपी निकलेगा। जीटीपी मतलब एक एटीपी का इक्विवेलेंट होगा। तो एक एटीपी जो यहां कम निकला वो बगल वाले निकल गया। अब देखेंगे ये एरो एंगेज है, ये एरो एंगेज है, ये एरो एंगेज है और ये वाला एरो भी एंगेज है। बीच में वाला एरो खाली दिख रहा है। खाली जगह देखते ही कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकाल देना। और इसके बगल वाले एरो में भी CO2 गैस निकलेगी, दो जगह CO2 निकलेगी, 5 और 6 नंबर पे CO2 गैस निकल गई। CO2 गैस भी निकाल दिया। अब आपका ये लगभग रेडी हो गया। अब और आगे पढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या पढ़ना है? अब कहां पर कौन सा एंजाइम काम करता है ये पढ़ना है। एंजाइम का नाम देखना, जहां भी हाइड्रोजन गैस निकालती है उन सभी जगह, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, जहां भी हाइड्रोजन गैस निकली चार बार, चारों जगह कौन सा एंजाइम काम करेगा? हाइड्रोजन गैस निकालने वाले एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हाइड्रोजन गैस को निकालने का काम करता है। यहां पर कौन सा एंजाइम काम किया? डीहाइड्रोजिनेज। यहां पर भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीहाइड्रोजिनेज। यहां पर भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीहाइड्रोजिनेज। यहां पर भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीहाइड्रोजिनेज। चार जगह पर तो डीहाइड्रोजिनेज डाल दिया तुमने, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया डीहाइड्रोजिनेज। एक दो तीन चार जगह पर। अब देखो यहां पे कौन सी गैस निकल रही है? CO2। CO2 निकालने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेज कहलाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाला एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज। यहां पर भी CO2 निकल रही है, यहां भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीकार्बोक्सिलेज। देखोगे यहां पर दो एंजाइम हो गए, डीहाइड्रोजिनेज और डीकार्बोक्सिलेज। तो देख सकते हो जहां जहां हाइड्रोजन निकलेगी वहां डीहाइड्रोजिनेज, 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 चार जगह डीहाइड्रोजिनेज होगा और दो जगह डीकार्बोक्सिलेज होगा। एंजाइम भर दिए इतने, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा तो डीकार्बोक्सिलेज, हाइड्रोजन गैस को निकालेगा तो डीहाइड्रोजिनेज। इतनी बात आपको समझ में आ गई कौन सी रिएक्शन कर रहा है। जहां पर जीटीपी निकलेगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकलेगा, ये बहुत इतने इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी काम करता है, इसका नाम होगा थायोकाइनेज। थायोकाइनेज, थायोकाइनेज नाम का एंजाइम यहां पर काम करेगा, थायोकाइनेज। इतने एंजाइम आपको याद हो गए, डीहाइड्रोजिनेज, 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 डीहाइड्रोजन, चार बार डीहाइड्रोजिनेज, जहां जहां एनएडीएच2 एफएडीएच2 निकला था, दो बार कार्बन डाइऑक्साइड निकला कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज दो बार, और जहां पर जीटीपी निकला है वहां पर थायोकाइनेज नाम का एंजाइम काम करेगा। इतने एंजाइम तो आपको याद हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब और जो रह गया वो पढ़ते हैं आगे।
आप देखेंगे और आगे पे तो यहां पर देखेंगे इसका क्या नाम था, ए का फुल फॉर्म क्या था, सिट्रेट सिस एकोनाइटेट, सिस एकोनाइटेट नाम था ना, सिस एकोनाइटेट के ऊपर वाला एंजाइम का नाम होगा एकोनाइटेज। एंजाइम के नाम में हमेशा एज लगता है, एएसईएच कोई भी एंजाइम हो, और इसके नीचे भी यही एंजाइम काम करेगा एकोनाइटेज। तो दो जगह एकोनाइटेज डाल दो, एकोनाइटेज के ऊपर, एकोनाइटेट के ऊपर और एकोनाइटेट के नीचे, ऊपर और नीचे एकोनाइटेज एंजाइम। तो ये एंजाइम भी आपको कंप्लीट हो गया, सिर्फ एकोनाइटेट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एकोनाइटेज एंजाइम काम करता है। तो आपका यहां भी एंजाइम हो गया, यहां एंजाइम हो गया, यहां 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 हो गया, ठीक है। ये जगह पर अभी नहीं हुआ एंजाइम ना, देखो यहां पर क्या था, एफ का फुल फॉर्म फ्यूमरेट और इसका नाम मैलेट, फ्यूमरेट से मैलेट बना रहा है, तो फ्यूमरेट से बना रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम डाल दो फ्यूमरेज, फ्यूमरेज, फ्यूमरेट एंजाइम पे काम कर रहा है, फ्यूमरेट पे बना रहा है, इसलिए फ्यूमरेज एंजाइम। यहां पहले से एंजाइम है, ये जगह बस रह गई, यहां पर देखो क्या बन रहा है, सिट्रेट बन रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो इसलिए इस एंजाइम का नाम होगा सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, या कह सकते हो सिट्रोजिनेज। इस एंजाइम का नाम होगा सिट्रोजिनेज। अभी आपको लगभग में 60% हमने यहां पर 60% क्रिप साइकिल कंप्लीट कर डाली आपकी, 60-70% क्लियर हो गए, सारे एंजाइम्स भर दिए, कौन कौन सा कहां पर क्या हुआ, आपको 60-70% आपको यहां पर समझ में आ गया। बचा 40%, तो अगला वीडियो इसके ठीक कंटिन्यूस में और वीडियो बना रहे हैं, उस पर आप देखिए किसके आगे इसको फिर समझेंगे ढंग से क्या है, पहले इतना भरना सीख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा देखिए वीडियो को, बार बार देखिए, चैप्टर यह है कि बार बार देखने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और नीट में एक दो क्वेश्चन तो यहां से जरूर आता है, क्रेब साइकिल से जो बना हुआ है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर होता है हर साल नीट में। तो अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे इसके आगे, क्रेब साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में इस क्रेब साइकिल को हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।